मेरे युवा साथियों नू और हरियाणा से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों को बलराज कुंडू की राम राम। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है बैठना दो जी बैठने दो बैठने बैठने दो जी बैठने माता जी आगे की तरफ आ जाओ बैठ कि हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले शेरे हिंदुस्तान भगत सिंह के इस किसान परिवार को अपने हकों के लिए सड़कों पे बैठना पड़ेगा। इन शेरों ने किसानों के बेटों ने अपनी शहादत देकर इस देश को आजादी की सांस दिलाने का काम किया। आज उसी किसानों को अपने हक के लिए अपने पेट के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस केंद्र की और प्रदेश की भाजपा की सरकारों के सियासतदानों से, वो कभी हमें खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी आतंकवादी बता रहे हैं, कभी को विदेशी देशों से फंडेड हमारे को एक मोहरा बताने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये आंदोलन किसी सियासत के लिए है क्या? ये किसान के हक के लिए और उसके पेट की लड़ाई है। इन बातों से इस देश को बहकाने का काम ना करें ये सियासतदान। ये किसान का हक के और उस किसान की लड़ाई है और आखिरी दम तक इनके अहंकार को चूर करके अपना हक लेके वापस जाएगा ये किसान देश का। तभी हमारे को पानी के नाम पर ये सियासतदान अपनी राजनीति करने के लिए हमारे को बांटने का काम करते हैं। हम तो इन सियासतदानों की इन बातों में ना आकर 36 बिरादरी का किसान हरियाणा पंजाब और पूरे देश का आज आज एक झुट हो चुका है और इनकी ईट से ईट बजा देंगे। इनको बताना चाहता हूं और मैं आज सबको इनके जो मंसूबे, किसान के पास एक अपना खेत होता है, दूसरी उसकी एक पशुधन होता है। इनकी नजरें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपके खेतों पर कब्जा करने की है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके खेतों पर कब्जा कर लेंगे तो हरियाणा पंजाब का नाम ये आता है कि जहां दूध दही का खाना हुआ हरियाणा हमारा। ये हमारी उन भैंसों का चारा नहीं उगाने देंगे हमारे को खेतों में, ये अपनी पसंद का, क्योंकि हमारे उस दूध घी को बंद करवाकर ये ऑस्ट्रेलिया से यूरोप से दूध लेकर हमारे को बेचना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो मैं आप सबके माध्यम से इस अंधी भरी सरकार को बताना चाहता हूं बहुत हो चुका है, ये देश जय जवान और जय किसान का देश है, क्योंकि इसी किसान का बेटा, इसी गरीब किसान का बेटा बॉर्डर पर इस देश की रक्षा करता है और अंतरिम सुरक्षा पुलिस की वर्दी पहनकर देश के अंदर सुरक्षा करता है, वो इस किसान का बेटा है। उस किसान के बेटे को अपने बाप से लड़वाने का काम ना करे, भाई को भाई से लड़वाने का काम ना करे, उसको लड़वाने का, क्योंकि अगर वो किसान का बेटा अगर उसका दिमाग सटक गया तो इनकी जो सुरक्षा का घेरा है वो टूट जाएगा, इनको इनको कोई जमीन नसीब नहीं होगी। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं जिस प्रकार का खेल ये तीन कानून के काले कानून जो हमारा डेथ वारंट है उसको लेकर इस किसान को, मजदूर को और गरीब को जो ये बर्बाद करना चाहते हैं, इसको हम कतई किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें किसी भी बातों में ना आकर हम सबको अपनी एकता के साथ इस आंदोलन को बड़ी शिद्दत के साथ में हम उसकी पूरी उसके साथ बैठे हैं। और इस अंधी भरी प्रदेश की और केंद्र सरकार को मैं बताना चाहता हूं जल्द से जल्द इन तीनों काले कानूनों को वापस लेकर मेरा एक किसान
जो अपने खेत को छोड़कर आज बिदाई का टाइम था और यहाँ जो बैठा है वो हक इनको देने का काम करे और इस किसानों से माफी मांगकर जो शहादत हुई है मेरे किसानों की उनका सम्मान पूर्वक राजघाट पर सम्मान से उनका अंतिम संस्कार करवाकर उनको सम्मान देने का काम करे। यही विनती मैं आप सबके माध्यम से संधि भरी सरकार को देना चाहता हूँ। और मैं आप सबको एक बात और कहना चाहता हूँ, आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी वोटों पे जो ये सियासत करने वाले राजनीतिक दल हैं इनके भी होश ठिकाने लगा दो और इनका जो आज आपके साथ नहीं खड़ा है उसका हुक्का पानी बंद करके गांव में आना बंद कर दो। अब ये ट्विटर पे और जो फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया में और अखबारों में छपने का काम कर दो, जो टीवी में चलते हैं उनको भी छित्र मार के अपनी ताकत का एहसान दिला दो कि अब किसान मजदूर का ही राज चलेगा। और ये जितने बैठे हैं इनको मजबूर कर दो, ये जितने नेता चाहे कुछ ही पार्टी का है, ये जो भाषण देकर अखबारों में छपते हैं इनका हुक्का पानी बंद करके इनके ऊपर बहिष्कार करके इनके ऊपर बैन लगा दो ताकि आपके कदमों में आकर माफी मांगे और आपके इस आंदोलन में आपका हिस्सा बढ़कर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और अपने पंजाब के इन शेरों को, मेरे बुजुर्गों को जो 80-80 साल के यार रात को सो रहे हैं, मैं 3 दिन पहले रात को रुका था, मैंने रात को घूम के देखा था किस प्रकार 80-80-90 साल के मेरे बुजुर्ग यहाँ पे सो रहे इस सड़कों पे, और मैंने उस दर्द को रात को इस सड़क पे यही सोया था मैं और मैंने उस दर्द को समझा था। तो मैं आपको इस बात के लिए कहता हूँ, इस एक एक दर्द का, इस तकलीफ का इन नेताओं से हमने बदला लेना है। जिनको वोट देकर हमने गाड़ी गद्दी को भेजा था आज वो विदेशों में अपनी पत्नियों को लेकर अपनी पिकनिक मना रहे हैं, उनको जवाब देने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ, मेरी बात में कोई गलत बात निकली हो तो आपका बेटा भाई हूँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी अंतरात्मा की आवाज थी। बहनी सर, भारत जय जवान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।